गोल्डन बॉयज ने साधा है एमसी स्टैंड पे निशाना। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों गोल्डन बॉयज कहते हैं कि एमसी स्टैंड को उनकी एटीट्यूड सुधारने की जरूरत है, क्या है पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल बिग बॉस 16 खत्म हो चुका है, लेकिन कंटेस्टेंट के बीच लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इससे पहले तो हमने देखा कि किस तरह से एमसी स्टैन और अब्दुल रौजिक की लड़ाई ने खूब सुर्खियां बटोरी, जहां अब्दुल रौजिक ने उन पे आरोप लगाए कि बैंगलोर में उनके कंसर्ट के दौरान उन्होंने एमसी स्टैन से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन एमसी स्टैन ने उनसे मिलने से मना कर दिया और एमसी स्टैन उनसे फ़ोन पे बात करने तक को तैयार नहीं है। अब वहीं गोल्डन बॉयज ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि बिग बॉस 16 जीतने के बाद एमसी स्टैन में एटीट्यूड आ गया है। गोल्डन बॉयज सनी और बंटी कहते हैं कि एमसी स्टैन को उनका एटीट्यूड सुधारने की ज़रूरत है। सनी और बंटी का कहना है कि अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता है, वक्त सबका बदलता रहता है, इसलिए हमें सबसे मिलजुल कर एक जैसा बिहेव करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। हालांकि किस वजह से सनी और बंटी और एमसी स्टैन के बीच लड़ाई हुआ ये तो नहीं पता, ना ही उन्होंने इस बारे में कुछ बात की, लेकिन हाँ दोनों के बीच कुछ तो अनबन ज़रूर हुआ है। आपको बता दें कि गोल्डन बॉयज और एमसी स्टैन दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उनकी बॉन्डिंग हमने बिग बॉस के घर में भी देखा। बिग बॉस 16 में जब सनी और बंटी गए थे एज अ गेस्ट, तब हमने देखा था कि एमसी स्टैन कितने खुश हुए थे और वो कितने अच्छे से बिहेव कर रहे थे। और अब गोल्डन बॉयज का कहना है कि एमसी स्टैन में एटीट्यूड आ गया है। वेल दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे गोल्डन बॉयज के बातों पे? आपका क्या है रिएक्शन, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप टॉक।